पब्लिक टीवी आपकी आवाज। वहीं सपा के प्रदेश सचिव डीपी यादव ने कहा कि यह हार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सबक है। भाजपा ने केंद्र और प्रदेश की सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे उनमें से कोई पूरा नहीं किया, जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई। कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो और किसानों की खस्ता हालत हो, भाजपा ने हर वर्ग को निराश किया है। इस मौके पर लालू परवेज, नरेश शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये जीत जो है आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके गठबंधन की जीत है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता की जीत है। सर, इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने कहाँ कहाँ जीत हासिल करी है? इससे पहले समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की 2 सीटें, एक से योगी आदित्यनाथ सांसद थे और एक से उनके डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे। गोरखपुर और फूलपुर वो सीटें जो थी जीती, जो उनके घर की सीट थी, बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी। और पश्चिम की 2 सीट कैरान और नूरपुर जीती हैं। अब उपचुनाव में इनको 4 जगह हार का मुंह देखना पड़ा है। इससे ये संदेश गया है कि देश में और प्रदेश में बीजेपी सरकार का विश्वास और इकबाल जनता में ख़त्म हो गया है और इनका झूठ का जो पुलंदा था वो जनता के सामने आ गया। जनता ने देश के प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को कतई नकार दिया है। 2019 की मैं आपको बताऊं, 22 तो दूर है, 22 के रिजल्ट तो बहुत ऐतिहासिक होंगे, लेकिन 19 में बीजेपी सरकार नहीं आ रही, 19 में समाजवादी पार्टी का और उसके गठबंधन का पूरे देश में परचम लहराना जा रहा है। सारे देश में मोदी के खिलाफ पूरी लहर है, बीजेपी के खिलाफ पूरी एंटी इनकम्बेंसी की लहर है और पूरे देश की जनता ने मन बना लिया कि बीजेपी सरकार को दोबारा वापसी नहीं करानी है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।